गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पौरी ने बौंसाल पुल का विधिवत शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्र की जनता को आवाजाही करने में सुविधाएं मिलेगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके लिए पक्के पुल का निर्माण किया जाए, जिसका प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इसका विधिवत रूप से आज शुभारंभ कर दिया गया है। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने बताया कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद आसानी से आवाजाही हो पाएगी। पौड़ी से ही मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से है, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले दो वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा और आज मैं इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बौंसाल पुल की, ये पूरी हो गई है और इससे कम से कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएं इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है, इसके लिए बहुत बहुत जो कार्यदायी संस्था है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय से इसको पूरा किया।